नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। यूपी के बलिया जिले में गंगा खतरे के निशान को पार कर भयानक रूप लेती नजर आ रही है। गंगापुर में गंगा के कटान में जल निगम की एक टंकी और एक दो मंजिला इमारत ने जल समाधि ले ली है। गंगा के रूप को देखकर इलाके के लोग सहमे हुए हैं। और जिला प्रशासन के दावे खोखले साबित होते जा रहे हैं। बता दें कि बलिया में गंगा नदी ने लाल निशान को पार कर दिया है और ऐसा कहर ढाया है कि सरकारी जल निगम के विशाल पानी की टंकी को अपने रौद्र रूप में समाहित कर लिया, जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। ये घटना बैरिया तहसील क्षेत्र के गंगापुर गांव की है। वहां मौजूद ग्रामीणों में गंगा के इस रौद्र रूप को देखकर डर का माहौल व्याप्त हो गया है। बता दें कि कल तड़के सुबह पानी की टंकी का गंगा में समाहित होने का लाइव वीडियो कैमरे में कैद हो गया। जी लाल मोहन जी, इस समय गंगा का किस तरीके से जल स्तर बढ़ रहा है और लोग कितने प्रभावित हो रहे हैं? सर, गंगा का स्तर तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे लोग बहुत प्रभावित हैं। आसपास देख रहे हैं, सब गली गली में बढ़ गया पानी और प्रशासन भी अभी तक कोई सुध नहीं ले रहा है। आज जो है गंगापुर में भी एक पानी की टंकी जो है कैसे सरकारी जल निगम की पानी की टंकी गंगा में समाहित हुई आपके सामने? देखते देखते जैसे जल स्तर बढ़ा समाहित हुई गंगा जी काफी। इससे लोगों को कितना नुकसान हो रहा है? बहुत नुकसान हो रहा है। क्या प्रशासन इसकी कुछ मदद नहीं अभी तक तो नहीं? बलिया में प्रत्येक वर्ष गंगा की बाढ़ से भारी नुकसान होता है। खड़ी फसलें, उपजाऊ जमीन और लोगों के आशियाने उनकी आंखों के सामने गंगा में विलीन हो जाते हैं। गंगा में बढ़ते पानी के जलस्तर और कटान से एक दो मंजिला इमारत देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह पानी में भरभरा कर समा गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 15 सालों में दर्जनों गाँव का अस्तित्व खत्म हो चुका है और कई गाँव गंगा की खतरनाक लहरों के सामने डैम तोड़ने को तैयार हैं। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।